रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक आउट योर सोशल स्टडी बुक विथ पेंसिल। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस द गिलगित बल्तिस्तान। ओपन द बुक पेज नंबर 37। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान कहाँ पर है? जो हमारे पास मैप में, यहाँ पे देखिए, दिस वन इज़ गिलगित बल्तिस्तान, यानी द नॉर्दर्न मोस्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के जो बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट है तो वो हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान है। गिलगित एंड हंसा आर द ब्यूटीफुल माउंटेन्स एरिया टू द वेरी नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के बिल्कुल नॉर्थ में है। ये हज़ार टाइम में आप लोगों को बता चुकी हूँ। इट इज़ द होम ऑफ K2। ठीक है, ये K2 यहाँ पे है, द सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। यानी जो हमारे पास K2 है तो वो हमारे पास इसी गिलगित बल्तिस्तान में है। द बाल्टाइड पोर्ट इन हंसा वैली डेट्स बैक टू 8th सेंचुरी। यानी बाल्टाइड पोर्ट जो है, जो हंसा में है, ठीक है, तो वो 8th सेंचुरी की बात। पीपल इन दिस रीजन स्पीक मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग, यानी यहाँ पे जो है लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, जिसमें शीना, ठीक है, बरोशा की, ठीक है, बाल्टी, हॉर, ठीक है, वाही, गुजारी, ठीक है, तो ये सारे हैं, लदाही, दमाकी, तो ये सारे डिफरेंट जो मुख्तलिफ हमारे पास लैंग्वेजेस हैं ये स्पीक वहाँ पे बोली जाती है गिलगित बल्तिस्तान में। अभी मैं आप लोगों को मैप में बताऊंगी कि गिलगित बल्तिस्तान कहाँ पर है और K2 कहाँ पर है। लुक एट द मैप ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, दिस वन गिलगित एंड दिस वन बल्तिस्तान। ठीक है, तो ये हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान है, ये देखिए, ये गिलगित है। ठीक है, और जो हमारे पास K2 है तो वो यहाँ पे है। इट इज़ द होम ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, इज़ द होम ऑफ K2। ठीक है, तो ये सारे जो है हंसा नाइगर जो है वो हमारे पास यहाँ है। ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में है। कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 38। वी विल डिस्कस द सम इम्पॉर्टेंट सिटीज़। कराची इज़ द लार्जेस्ट, फॉलोड बाय लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, मुल्तान, गुजरावाला, क्वेटा एंड इस्लामाबाद आर स्मॉलर सिटीज़। यानी कराची जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट है, लेकिन इससे जो ये मैंने नेम्स लिए हैं, फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, तो ये उससे छोटे हैं। दिस मैप शोज सम ऑफ दीज सिटीज़ एंड गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट देम। इसमें हमें जो है मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब देखिए आप लोग, लुक एट द मैप ऑफ पाकिस्तान। जो हमारे पास मैप ऑफ पाकिस्तान है तो इसमें अगर आप लोग देख लें, ठीक है, तो इसमें ये देखिए, ये बलूचिस्तान है तो इसकी कैपिटल सिटी क्वेटा। ठीक है, ये खैबर पख्तूनख्वा है तो इसमें कैपिटल सिटी पिशावर। ये सिंध है तो इसमें दो है, ठीक है, कराची इन हैदराबाद। और जबकि पापुलेशन के लिहाज से पंजाब इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें ज़्यादा है। इसमें कैपिटल सिटी जो है इस्लामाबाद भी है, ठीक है, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरावाला, लाहौर इसकी मेन कैपिटल सिटी है, लेकिन ये बाकी भी जो है मेन सिटीज़ है, सरगोधा, फैसलाबाद एंड मुल्तान। दिस इज़ द मैप ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए जो हमारे पास करदू है, ठीक है, ये हमारे पास जो है गिलगित है, ठीक है, मुजफ्फराबाद, ये श्रीनगर है, ठीक है, तो ये कश्मीर की जगह है और ये हमारे पाकिस्तान का एरिया है। ठीक है, अब जो आगे हम डिस्कस करेंगे तो वो हमारे पास है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद बिकेम द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इन 1959। सबसे पहले जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो कैपिटल सिटी हमारी कराची थी, ठीक है, कराची थी, लेकिन वो साइट पे थी तो इस वजह से जो है वहाँ पे मतलब आना जाना काफ़ी मुश्किल था। तो इस वजह से 1959 में ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान इज़ द सेंटर सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो इसी वजह से ये देखे ना, बिल्कुल, तो हर प्रोविंस के वो आसानी से आ सकते हैं, ठीक है, और अगर कराची जाके तो बिल्कुल कोने में है। ठीक है, तो इसी वजह से 1959 में फिर इस्लामाबाद कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान बनी। बिफोर दिन कराची वॉज द कैपिटल, इट इज़ न्यू सिटी।
designed by the world famous planners and architect located at the base of Margalla Hills. ये मार्गल्ला हिल्स के बिल्कुल बेस में है. दिस सिटी इज़ डिवाइडेड इन टू, इसको जो है डिफरेंट, इसमें हर चीज़ है, इंडस्ट्रीज़ भी है, बिजनेस भी है, रेजिडेंशियल यहाँ पे लोग भी रहते हैं. रेजिडेंशियल मीन्स रिहायशी, ठीक है, जो लोग रहते हैं जहाँ पे. बिजनेसमैन यानी जो बिजनेस करते हैं, मतलब कारोबार करते हैं. रिक्रिएशनल मतलब हर चीज़ न्यू बनाना, इंडस्ट्रीज़, कारखाने. गवर्नमेंट इन डिवेलप डिप्लोमेटिक सेक्शन, ठीक है, हमारे पास डिप्लोमेटिक सेक्शन भी है. कारोबार, डिप्लोमेटिक सेक्शन का मतलब है कि वहाँ पे सफारतखाने भी हैं हमारे पास, ठीक है. तो इसी वजह से जो जो हमारे पास बिजनेस होता है वो भी है इस्लामाबाद में. यहाँ पे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट भी है. ये सारे अभी हम पढ़ेंगे. आर लिंक्ड विद द फ्लावरिंग शेडी ट्रीज. अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद में हर जगह पे, मतलब अगर टैक्सी वगैरह के लिए आप वेट भी करें तो शेडी एरिया होता है, यानी सायदार दरख्त वहाँ पे होते हैं, ठीक है. देयर आर मैनी ब्यूटिफुल पार्क्स एंड गार्डन्स. इट इज़ द सीट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट सीट्स भी होते हैं. सो ऑल द इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन ऑल द फॉरेन एम्बेसीज, जो मतलब फॉरेन कंट्रीज़ लोग जाते हैं तो इसकी जो मेन एम्बेसी है, ठीक है, सफारतखाना है, तो वो हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पे इस्लामाबाद में है, ठीक है. सम ऑफ द वेल नोन बिल्डिंग्स आर द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट भी है, द पाकिस्तान मॉन्यूमेंट भी है. आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग तो जो है बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद आते जाते रहते हैं, ठीक है. प्रेसिडेंसी भी वहाँ पर है हमारे पास. सेक्रेटेरिएट भी है, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है. नेशनल असेंबली भी है. दामन को भी आप लोग गए होंगे. शाह फैसल मास्क मोस्ट आप मतलब मस्ट आप लोगों ने देखा होगा. दरावल लेक, रोज़ एंड जैस्मीन गार्डन, लोकवेरसा हेरिटेज म्यूज़ियम जो है वहाँ पे हर किस्म की, मतलब जो पुराने ज़माने के लोग किस तरह होते थे, अब कैसे हैं, मतलब आप लोग ज़रूर विज़िट करें. द श्राइन ऑफ बरे इमाम, यानी बरे इमाम का मज़ार भी हमारे पास वहाँ पर इस्लामाबाद में है. तो दिस दीज आर द इंफॉर्मेशन ऑफ इस्लामाबाद. इस्लामाबाद के बारे में था कि इस्लामाबाद क्या है और इसमें किस तरह की वो है, ठीक है. अब जो हमारे पास न्यू वो है पेज नंबर 39 पे, तो वो कराची है. पेज नंबर 39, इन द लार्जेस्ट सिटी इज़ कराची ऑफ पाकिस्तान. 1947 का कराची वॉज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. एट वन टाइम इट वॉज अ स्मॉल फिशिंग विलेज, लेटर द विलेज कम टू नोन एज कराची. ये पहले एक छोटा सा गांव था जिसमें एक खूबसूरत सी बच्ची रहती थी, उसका नाम था गुलाची, ठीक है. उसी के बेस पे जो है ये नाम रखा गया है. द ग्रीव यानी लाइटों का, मतलब यहाँ पे इतनी रोशनी और वो होता था, ठीक है. एंड ग्रीव एंड टू बिग बस्टलिंग सिटी स्क्वेस्ट बिटवीन द अरेबियन सी एंड द डेजर्ट. ये कराची जो है डेजर्ट और अरेबियन सी के बिल्कुल दरमियान में है. इट इज़ द मेन पोर्ट पाकिस्तान बिकॉज ऑफ नेचुरल हर्बर्स एट कमियारी, ठीक है. और यहाँ पे हमारे पास जो है ये देखें, ये अरेबियन सी है, ठीक है. और यहाँ पे थर्ड डेजर्ट है, तो कराची बिल्कुल उसके मिड में है, ठीक है. और ये पोर्ट भी है, यानी एक बंदरगाह भी है जो यहाँ पे शिप्स वगैरह खड़े होते हैं, ठीक है. इन 19th century द ब्रिटिश रूल सिंध. 19th century में सिंध पे अंग्रेज़ों ने हुकूमत की थी. दे मूव्ड कैपिटल फ्राम हैदराबाद टू कराची. उस टाइम जो है 19th century में सिंध की कैपिटल हैदराबाद था, लेकिन फिर इसको कराची कर दिया गया. स्ट्रीट्स वर बिल्ड एंड हाईवेज, रेलवेज एंड बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड, ठीक है. और हमारे जो अंग्रेज़ थे, ठीक है, अंग्रेज़ थे तो उन्होंने ये हाईवेज और रेलवेज और बिल्डिंग्स बनाए थे. कराची इज़ द मॉडर्न सिटी विद होटल्स, बैंक्स, सिनेमास, शॉप्स, वाइट बाउल वर्ड. बाउल वर्ड मतलब जो चौड़ी सड़क होती है, मींस के उसमें चार चार जो है गाड़ियाँ एक साथ चल सकती हैं. मॉडर्न सिटी विद ए न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है. हमारे पास जो है जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट है जो कराची में है, ठीक है. नेम आफ्टर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, एंड जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन पाकिस्तान. कराची कंटिन्यूज टू बी इंडस्ट्रियल सेंटर, और ये एक इंडस्ट्रियल सेंटर भी है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है और यहाँ से ही लोग जो है ट्रेड करते हैं फॉरेन एम्बेस मतलब फॉरेन कंट्रीज़.
ठीक है, देयर आर द टू लार्ज इंडस्ट्रीज स्टेट सिंध इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्टेट इन साइट, ठीक है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, इट इज़ आल्सो फाइनेंशियल एंड बिजनेस कैपिटल, हैज़ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री। यानी यहाँ कराची से जो है पूरे मुल्क में भी स्टॉक जो है एक्सचेंज होता है और फॉरेन कंट्रीज़ में भी होता है। इसमें जो मशहूर जगह है वो कौन कौन सी है, सम वेल नोन बिल्डिंग्स आर प्रेडी हॉल, ठीक है, बाई जना, ठीक है, हाई कोर्ट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बिल्डिंग्स, कॉटन एक्सचेंज, गवर्नर हाउस, ठीक है, सिंध क्लब कराची, जिमखाना, एस टी एंड्रियो चर्च, एस टी पेट्रिक्स कैथेड्रल्स एंड जहांगीर कोठारी पेराडा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वहाँ के मशहूर है। अब आगे भी हमारे पास हैं, विजिटर्स कैन सी, और जो विजिटर आते हैं सियाह आते हैं, ठीक है, विजिटर्स मीन्स जो सियाह आते हैं, कैन सी द कायद आज़म म्यूज़ियम। कायद आज़म, ये देखिए कायद आज़म म्यूज़ियम जहाँ पे कायद आज़म का मज़ार है, कायद आज़म को दफन किया गया है, ठीक है, म्यूज़ियम का मतलब भी हमारे पास मज़ार ही है, ठीक है। द नेशनल म्यूज़ियम, ठीक है, द मेरी टाइम म्यूज़ियम, द मेनी फाइन मॉस्क, अम्यूज़मेंट पार्क्स, ठीक है, बीचेस एट क्लेप्टन, सेंडी स्पॉट, हॉक बे इन पैराडाइज पॉइंट इन द बागी इब्न कासिम, यानी कासिम मोहम्मद जो हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम है तो उसका बागी इब्न कासिम भी है। क्यों? क्योंकि जो है कायद आज़म ने जो इस्लाम की हमारे पास जो कायद आज़म म्यूज़ियम है तो वो भी इसी कराची में है, ठीक है, और जो मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम की बुनियाद रखी थी, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में, तो इसी सिंध के रास्ते से वो आए थे, ठीक है, और यह सिंध का जो पुराना नाम था वो हमारे पास दीबल था। तो इसी वजह से ये जो है कराची के फेमस बिल्डिंग्स हैं, फेमस जो है साइट्स हैं, ठीक है, जो यहाँ कराची में पाए जाते हैं और लोग जो है यहाँ पे विज़िट करने आते हैं। अगर मैप में जा देखा जाए तो ये अरेबियन सी है और ये कराची का बिल्कुल बैंक साइट है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो है लोग सैर करने के लिए भी आते हैं और समंदरी हवाएं ठंडी जो है वो यहाँ पे कराची साइड पे आती हैं टूवर्ड लैंड, यानी फ्रॉम सी टूवर्ड लैंड, तो इसी वजह से यहाँ का टेम्परेचर भी जो है वो मॉडरेट रहता है। थैंक यू फॉर टुडे।